नमस्कार, आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, अच्छी फसल हो इसके लिए आप खेतों में दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और आपकी इस मेहनत में आपके सहयोगी हैं मधुमक्खियाँ। जी हाँ, मधुमक्खियाँ करती हैं खेतों में पोलन क्रिया, जिससे फसल अच्छी होती है और किसानों को मिलता है ज़्यादा लाभ। बहुत से किसान भाई बहन ऐसे हैं जो केवल मधुमक्खी पालन करके अच्छा लाभ ले रहे हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से रस लाती हैं और किसान भाई बहन प्रोसेसिंग कर शहद का उत्पादन करते हैं। प्रोसेसिंग के दौरान कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती। शहद का इस्तेमाल हम खाने के लिए करते हैं तो जो अतिरिक्त वैक्स बचता है उसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की औषधियों और कॉस्मेटिक को बनाने में किया जाता है। आज हम जानकारी लेंगे मधुमक्खी पालन और उससे संबंधित प्रोसेसिंग के बारे में। इस धरती पर हर जीव का अपना महत्व है, उसकी अपनी भूमिका है। इसी वजह से हमारा इकोसिस्टम ठीक बना रहता है। मधुमक्खियों की भी अपनी विशेषता है। मधुमक्खियों के छत्ते एक स्वस्थ पर्यावरण के संकेतक होते हैं। मधुमक्खियां मेहनत करने वाले जीव के रूप में जानी जाती हैं। ये एकता की मिसाल भी होती हैं। ये अपने दिन का ज्यादातर समय पराग जमा करने और उसे दूसरे फूलों पर पहुंचाने में खर्च करती हैं। फूल वाले पौधों में परागण एक जरूरी क्रिया है। परागण क्रिया हवा, पानी, पक्षियों और कीट पतंगों द्वारा की जाती है। इसमें मधुमक्खियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। हम में से ज्यादातर लोग मधुमक्खियों के बारे में केवल ये जानते हैं कि इससे हमें सिर्फ शहद मिलता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन सच तो ये है कि मधुमक्खियां पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए सबसे जरूरी जीवों में से एक हैं। फसलों के परागण में भी मधुमक्खियां अहम भूमिका निभाती हैं। ये पक्षियों और कीटों को भोजन उपलब्ध कराकर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में लगभग 5 करोड़ हेक्टेयर फसलों का परागण मधुमक्खियों पर निर्भर है। मधुमक्खियां कृषि फसलों में परागण के जरिए 30% तक पैदावार बढ़ाती हैं। मधुमक्खी पालन कृषि से जुड़ा एक व्यवसाय है, जिसमें कम लागत और बड़ा मुनाफा है। मधुमक्खी पालन एक लघु व्यवसाय है, जिससे शहद और मोम प्राप्त होता है। ये व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहा है। शहद उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में 5वें स्थान पर है। मधुमक्खी पालन की तमाम खूबियों को समझते हुए कई किसान इस ओर आगे आ रहे हैं और अपने जीवन यापन का स्तर बेहतर बना रहे हैं। हरियाणा के झज्जर के जगपाल सिंह एक ऐसे ही किसान हैं जिन्होंने कुछ वर्ष पहले मधुमक्खी पालन शुरू किया था। उस समय कई तरह की चुनौतियां थीं और राह भी मुश्किल नजर आ रही थी, लेकिन समय के साथ जगपाल ने अपनी मेहनत से मुश्किलों से पार पा ही लिया। आज जगपाल की गिनती सफल मधुमक्खी पालक के रूप में होने लगी है। जगपाल किसान समूहों का निर्माण कर शहद का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उन्हें बेहतर परिणाम भी मिल रहा है। हमारे ग्रुप में 15 मधुमक्खी पालक किसान जुड़े हुए हैं, जो के अलग अलग स्थानों पर अपने मधुमक्खी बॉक्सों को लेकर जाते हैं और अलग अलग फूलों का शहद एकत्रित करके हमारे प्लांट पर, जो 1 टन कैपेसिटी का है, वहाँ पर हम एकत्रित करते हैं और उसको प्रोसेस करके हम सभी ने अपना एक ब्रांड बनाया हुआ है। इस ब्रांड के तहत ही हम अपना शहद बेचते हैं और हमारी मार्केट है गुड़गांव में, दिल्ली में और उत्तर भारत के जैसे और अलग अलग शहरों में हमारी मार्केट है, वहाँ हम अपने शहद को बेचते हैं। कुछ हमारे ग्रुप के सदस्य फील्ड में काम करते हैं और कुछ मार्केटिंग में काम करते हैं, कुछ प्रोसेसिंग में काम करते हैं। इस प्रकार से हम ग्रुप के सभी सदस्य अच्छी भली इनकम कर रहे हैं। आज बाजार में शहद के कई ब्रांड मौजूद हैं, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा से ही शुद्ध और बिना मिलावटी शहद खरीदने की रही है। ऐसे में जगपाल अपनी विशेषताओं से बाजार की उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं।
ये जैविक ढंग से शहद बनाते हैं जो शानदार है। एक तो हमारा सर रियल फ्लोरा हनी है, इसमें कुछ भी अल्टरेशन नहीं है, कुछ भी एडिशन नहीं है। जो भी लोग मेरे हनी को लेकर जाते हैं वो दोबारा ज़रूर लेने आते हैं। हमारा रियल फ्लोरा, जैसे मैंने बताया, ये थाई हनी है, अजवाइन कहते हैं इसको। अजवाइन का इसमें रियल टेस्ट आपको मिलेगा, इसमें ऊपर से कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है। जैसे तुलसी हनी है, वो तुलसी के फूलों से कलेक्ट किया हुआ हनी होता है, इसलिए मेरा हनी मार्केट में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अच्छी गुणवत्ता का शहद हर किसी को पसंद होता है, इसीलिए जगपाल को बाजार से बेहतर रिस्पांस भी मिल रहा है। यहाँ पर हम रॉ हनी को प्रोसेस करके पैकेजिंग के लिए इस सेक्शन में लेके आते हैं। यहाँ पर 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी की बोतलें पहले सीलिंग करते हैं। सीलिंग करने के बाद उनको कैप लगाते हैं। कैप लगा के फिर उनको कार्टूनों में भरते हैं। एक कार्टून में 20 बोतल आती हैं, 10 केजी वेट होता है, और इन कार्टूनों की पैकिंग करके हम मार्केट में बाहर भेजते हैं। हमारी मार्केट गुड़गांव, दिल्ली, भादरगढ़, चंडीगढ़, यहाँ पर अच्छी स्थापित हो चुकी है, और हम आगे काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि इसको ऑल ओवर इंडिया में अपने ब्रांड को स्थापित करें। और हमारा ब्रांड लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। जैसे अभी आपने देखा कि लड़के पैकेजिंग कर रहे थे, ये थाई हनी है जो कि हम राजस्थान से कलेक्ट करते हैं, और वहाँ से यहाँ लाकर प्रोसेस करके इस पैकेजिंग सेक्शन में उसको पैक करके, सील करके, और फिर उसको कार्टूनों में पैक करके मार्केट में सप्लाई करते हैं। हम जो शहद खाते हैं वो एक पूरी प्रक्रिया के बाद हम तक पहुँचता है। ये हमारा प्रोसेसिंग सेक्शन है, ये प्रोसेसिंग मशीन है, डबल लेयर मशीन है। इसमें एक लेयर है शहद के लिए, एक लेयर होती है पानी के लिए। इसमें हम यहाँ से पानी डालते हैं और पानी से ये पोट जो है भर जाता है, उसके बाद इसमें हम शहद डालते हैं। नीचे ये आप देख रहे हैं भट्टी है, गैस से चालित भट्टी है। इसको चलाने के बाद आधे घंटे में ये पानी गर्म हो जाता है, और गर्म पानी की भाप से शहद गर्म होता है। हम इसको शहद को केवल 40 डिग्री तक गर्म करते हैं ताकि इसकी सभी प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ रहे। शहद के सभी मिनरल, सभी विटामिन, लवण इसके नष्ट ना हो, इसलिए 40 डिग्री टेम्परेचर गर्म करके उसके बाद हम तैयार शहद को कूलिंग के लिए इस टैंक में लेके आते हैं, और इस टैंक में कम से कम 6 या 7 दिन तक इसको रखते हैं ताकि ये पूरी तरह से शहद ठंडा हो जाए, उसका जो फालतू वैक्स है वो ऊपर आ जाए, और उस वैक्स को हम हटा देते हैं। हटाने के बाद ये हमारा पैकेजिंग का है, यहाँ से बोटलिंग की जाती है। यहाँ से जिस भी 250 ग्राम की, आधा किलो की या 1 किलो की बोतल हो, यहाँ से भरने के बाद उसमें वेट किया जाता है। वेट करने के बाद आपने देखा कि उस रूम में हम लेके गए थे, वो पैकेजिंग सेक्शन था, वहाँ पे इसकी पैकेजिंग और लेबलिंग सारे काम वहाँ पर होते हैं। ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेरा सारा रॉ मटेरियल है, रॉ हनी है, जो मैं अलग अलग स्थानों से कलेक्ट करके और वहाँ से गाड़ियों में लोड करके यहाँ पर लेके आता हूँ। जैसे बड़े ड्राम में आप देख रहे हैं, इसमें तुलसी रॉ हनी है जो कि हमने मध्य प्रदेश से कलेक्ट किया है। इससे आगे आप देख रहे हैं, ये थाई हनी है, अजवाइन का हनी, जिसको हमने राजस्थान से कलेक्ट किया है और यहाँ प्रोसेसिंग के लिए अपनी यूनिट में रखा हुआ है। उससे आगे आप देखेंगे, ये कश्मीर मल्टी फ्लोरा हनी है जो कि बहुत ही अच्छा हनी माना जाता है। इसको हम जम्मू कश्मीर से कलेक्ट करते हैं और यहाँ पर रॉ हनी रखा हुआ है, इसको प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर हम लेके आए हैं। और जिस भी हनी की मार्केट में डिमांड होती है उसको हम उसी अनुसार प्रोसेस करते हैं ताकि जनता तक ताज़ा ताज़ा हनी हम पहुंचा सके। हम ऐसे नहीं कि स्टोक करके रखते हैं, जितनी भी डिमांड आती है उसी के अनुसार हम हनी को प्रोसेस करके, बोटलिंग करके, लेबलिंग करके और मार्केट के लिए तैयार करते हैं। तो ये आप सारा मेरा सिस्टम देख रहे हैं। ये आगे देख रहे हैं, ये स्पेदा हनी है जो कि बड़ा अच्छा हनी माना जाता है। ये भी फॉरेस्ट से कलेक्ट किया जाता है और इसको भी हम प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर लेके आए हैं, और प्रोसेसिंग होने के बाद इसकी बोटलिंग करके हम इसको मार्केट में
उतारेंगे। हमें तो सभी शहद एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन शहद के कई प्रकार होते हैं और जगपाल भी बहुत तरह के शहद के व्यवसाय में आगे बढ़ रहे हैं। ये नेचुरल वैक्स होता है जो कि बड़ा ही कीमती है और मार्केट में इसके बड़े यूज और बड़ी डिमांड है। हमारे जितने भी कॉस्मेटिक के चीज़ें बनती हैं या मेडिसिन बनती हैं उसमें नेचुरल वैक्स सब में यूज होता है। इसकी कैंडल भी बनती है सर, जैसे कि जो ऑर्गेनिक का काम करते हैं ऑर्गेनिक कैंडल जो यूज़ करना चाहते हैं इसी वैक्स से वो कैंडल बनती है। तो इस वैक्स को हम निकाल कर फेंकते नहीं हैं, इसको स्टोर करते रहते हैं और इसको रीप्रोसेस करके हम मार्केट में इसको सप्लाई करते हैं, बेचते हैं मेडिकोज दुकानों पर और जो ये कॉस्मेटिक के आइटम बनाते हैं उनके यहाँ ये यूज में होता है और वहाँ हम सप्लाई करते हैं। इसके रेट हमें बड़े अच्छे मिलते हैं। कृषि के नजरिए से देखें तो मधुमक्खियाँ खास भूमिका निभाती हैं। जो मधुपालक हैं वो डब्बे रखते हैं, लेकिन कई किसान भाइयों की ये भ्रांति होती है कि भाई मधुमक्खी के डब्बे रखने से उनकी पैदावार में कमी आएगी, लेकिन ये परागण बढ़ाते हैं, इससे इसका फर्टिलाइजेशन बढ़ेगा और उसमें जो फलियाँ हैं वो बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। फर्टिलाइजेशन बढ़ाती है, पोलिनेशन बढ़ाती है, एक प्रकार से पोलिनेटर का काम करती हैं। तो इसमें ये फायदा करती हैं ना कि नुकसान करती हैं। आधुनिक दौर में रोजगार के नजरिए से मधुमक्खी पालन बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। मधुमक्खी पालन एक ही बहुत ही अच्छा और लाभदायक व्यवसाय है। इसको किसान भाई अगर करेंगे तो वो खेती के साथ अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा काम करती है 80% काम है वो मधुमक्खी करती हैं, 20% काम मधुमक्खी पालक को करना होता है। और वो जो कि मोदी जी का प्रोग्राम है या हमारा सभी का प्रोग्राम है कि 2022 तक हमने किसान की आमदनी दोगुनी करनी है, तो अगर हम साइड बिजनेस के रूप में मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो हम अपनी आमदनी को दोगुना आराम से कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन से जुड़े किसानों को वैज्ञानिक सलाह का भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें जो कि मधुमक्खी पालन के लिए हमारी जो मधुमक्खी है वो एपिस मेलिफेरा होती है और ये यूरोपियन मधुमक्खी है। ये मधुमक्खी एक साल के अंदर लगभग 35-40 किलो तक शहद बना देती है और इस समय जो है ये हमारा हनी फ्लो कह लो या हनी निकालने का टाइम चला हुआ है, क्योंकि जब भी हम नवंबर के अंदर मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो दिसंबर के अंदर मधुमक्खी आना शुरू हो जाता है। किसान भाइयों को हमेशा जो मधु है वो मधु बॉक्स जो ऊपर वाला बक्स है उससे निकालना चाहिए, क्योंकि उसमें मधु जो है पूरा सील हो जाता है और उसमें नमी की मात्रा कम होती है और ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते, और जो उसकी गुणवत्ता है मधु की शहद की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी रहती है। किसान भाइयों को सलाह है कि वो हमेशा मधु कक्ष से शहद निकालें और जो मधुमक्खी पालन जो हमारे बॉक्स के अंदर फ्रेम है वो हमेशा डालते रहें। जब भी मधुमक्खी पालक को ये लगे कि भाई हम मधुमक्खी ज़्यादा होगी तो वो अलग से अगला फ्रेम उसमें डाल दें और फिर जैसे ही उसमें ज़रूरत पड़े मधुमक्खी के हिसाब से अगला फ्रेम डालते रहें। अगर हम फ्रेम नहीं देंगे तो वो मधुमक्खी जो है वो बाहर इकट्ठा हो जाएंगी या आपस में वो मरने लग जाएंगी, तो हमेशा उसमें अलग से जो है वो फ्रेम दे देना चाहिए। अगर उसमें हम सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तब भी किसान भाई मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो उसमें जो है कई बार होता है मोमी पतंगा वो नीचे अंडे दे देती है उसकी तितली और वो जो फ्रेम है उनको ख़राब कर देता है। दूसरी सलाह ये है कि हमेशा बक्से को फुल रखना चाहिए। अगर हमने कम उसमें फ्रेम है तो उसमें ज़्यादा जो मधुमक्खी के लिए जो मोमी कीड़ा है वो उसमें अटैक कर सकता है। हमेशा बक्से को पूरा भर के रखें और शहद तभी निकालें जब उसमें जो सुपर है उसमें शहद हो जाए, नीचे से कम निकालना चाहिए। ये मौसम मधुमक्खियों के लिए बेहद अनुकूल है। सरसों के फूल पूरी तरह खिले हुए हैं
जो मधुमक्खियों को बहुत रास आते हैं। इस समय जो झज्जर में जो फूल हैं वो पूरे के पूरे भरा हुआ है और जो मधुमक्खी हैं वो पूरे जितना उसके पास में ये फूल होंगे वो शहद बटोर कर इकट्ठा करके वो डिब्बे के अंदर लेकर आएंगी और जब डिब्बे के अंदर लेकर आएंगी तो हमने अगला फ्रेम जो हम दूसरा उसमें और डालते हैं वो अगला फ्रेम दोबारा डालेंगे तो उसको भी जल्दी से जल्दी वो भर देगी। जितनी जल्दी जल्दी वो फ्रेमों को भरेगी किसान भाई उसमें मधुमक्खी पालक जो है उसमें ज़्यादा अपना शहद इकट्ठा करेंगे और जो जिस खेत में ये मधुमक्खी के बक्से रखे हुए हैं उस किसान को भी बहुत फायदा है क्योंकि वो एक फूल से जब दूसरे फूल पर जाएगी तो पराग को लेकर दूसरे फूल जाएगी तो परागण हो जाएगा और परागण होने के बाद जो हमारी जो फसल है उसकी गुणवत्ता तो बढ़े ही बढ़ेगी उसकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। मधुमक्खी पालन में बक्सों की प्लेसमेंट भी बहुत मायने रखती है, इसमें भी वैज्ञानिक सलाह की भूमिका बढ़ जाती है। मधुमक्खी की उम्र जो है वो 42 दिन की है, जो काम करने वाली जिसको कमेरी मधुमक्खी बोलते हैं उसकी उम्र 42 दिन ही होती है और वो एक दिन में जितना पास में उसके फूल होगा वो जल्दी जाकर फूल से मकरंद लेकर आएगी, फिर दोबारा से चक्कर लगाएगी, फिर तीसरी बार चक्कर लगाएगी। अगर बक्से दूर होंगे तो उसको जाने में टाइम लगेगा और फिर लेकर आने में भी उसको टाइम लगेगा। तो जितने पास में होगा उतना ही हमारा शहद ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा पराग आएगा। तो उसके हिसाब से हमने पास में रखना, किसान भाई हम ट्रेनिंग भी देते हैं या प्रशिक्षण देते हैं। एक रोचक बात यह है कि हर मौसम के साथ मधुमक्खियों का व्यवहार और उनकी दिनचर्या सब बदल जाती है। मधुमक्खी अपने हिसाब से काम करती है क्योंकि अगर सर्दी है तो सर्दी के समय मधुमक्खी लगभग 11 बजे बाहर निकलती हैं और 11 से 5 बजे तक 4 बजे तक जब मौसम खुला हुआ रहता है अच्छी धूप रहती है तो वो काम करती हैं। काम करने का मतलब है वो पराग लेकर आएंगी, मधु लेकर आएंगी या पानी लेकर आएंगी। अगर मौसम बरसात का है तो उस दिन जो है मधुमक्खी कम निकलेंगी, कम निकलेंगी तो उनके अंदर अगर बक्से के अंदर पूरा पराग और शहद अगर उनका खाने के लिए है तो वो कॉलोनी अच्छी चलती रहेगी और अगर कई दिन तक ज़्यादा मौसम ऐसे ही ख़राब रहेगा तो वो उनके लिए खाने के लिए अंदर अच्छा शहद और पराग होना चाहिए। तो किसान भाइयों से ये भी सलाह है कि वो हमेशा उसमें पराग और शहद छोड़ कर रखें। अगर उसमें नहीं रखेंगे तो मधुमक्खी को खाने के लिए नहीं मिलेगा तो कॉलोनी अच्छी तरह से नहीं चलेगी। मौसम जब ख़राब होता है तो शहद उत्पादन भी प्रभावित हो जाता है। मौसम खराब होने की वजह से मक्खियां बाहर कम निकल रही हैं, पराग और मकरंद कम लेके आ रही हैं क्योंकि मधुमक्खियों को मौसम खुला होना चाहिए, धूप अच्छी निकली हुई तो मधुमक्खी का काम अच्छा चलता है। जगपाल ने इस मौसम में ठंड से बचाव के लिए भी कई तरह के उपाय किए हैं। जैसे सर्दी बढ़ेगी तो टेम्परेचर डाउन आएगा और मधुमक्खी को एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, उसके लिए उनका टेम्परेचर 33 से 34 होना चाहिए। उसको मेंटेन करने के हमने ये बोरियाँ लगाई हुई हैं और इसके ऊपर हमने अखबार भी लगाए हुए हैं ताकि ये अपना टेम्परेचर जो है मेंटेन कर पाए। उत्पादन की बात करें तो जगपाल कई टन शहद का उत्पादन कर रहे हैं जिससे उन्हें मुनाफा भी हो रहा है। सरसों के सीजन के दौरान हम 100 बॉक्स से 7 या 8 करोप ले सकते हैं, यानी कि 100 बॉक्स से हम 25 से 30 क्विंटल शहद ले सकते हैं। जगपाल के साथी किसान भी इससे लाभ ले रहे हैं और धर्मवीर भी इन्हीं में से एक हैं। हम ग्रुप में मिलके ये काम कर रहे हैं जी, इससे अच्छी इनकम हो रही है जी, साथ में ये काम अच्छा चल रहा है जी। अच्छी बात यह है कि मधुमक्खी पालन में महिलाएं भी सहयोग कर रही हैं, जो कई मायनों में सार्थक है।
अपने साथ कई औरतों को भी जोड़ा है और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया है, जिसमें हमारे साथ 4-5 लेडीजें काम करती हैं। और इस और यहाँ भी जो नज़दीक जब हमारे फार्म आता है तो हम वहाँ पर इनका सहयोग करते हैं, शहद निकलवाते हैं और माइग्रेशन करते हैं, तो इनके अपने इनके साथ हम इनकी मदद करते हैं और ज़्यादातर काम तो हम अपने प्लांट में ही करते हैं। हम ये शहद का काम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। हमारे ग्रुप में काफ़ी करीबन 15 आदमी हैं, जिनमें कुछ लेडीज हैं। हम ज़्यादा काम तो प्लांट पे ही करते हैं, जैसे इनकी सफाई करना, डिब्बे भरना, ये पैकिंग वगैरह का ये काम करते हैं हम ज़्यादा। जगपाल की सफलता के सफर को देखकर आप में से कुछ लोगों के जहन में भी मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू करने का ख्याल आ रहा होगा, लेकिन प्रशिक्षण के अभाव में आप इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जनाब, इसके लिए भी कई संस्थान हैं जो प्रशिक्षण मुहैया कराती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र झज्जर भी एक ऐसा ही संस्थान है जहां इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र झज्जर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कौशल वर्धन एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। ये प्रशिक्षण व्यावसायिक प्रशिक्षण होते हैं, जिसमें ग्रामीण युवकों एवं युवतियों को अपनी आमदनी जरिया करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो इन प्रशिक्षणों में कृषि एवं कृषि से संबंधित जो हमारे आय उपार्जन के साधन होते हैं, उनके अंदर हमारा मधुमक्खी पालन जो है एक विशेष स्थान रखता है। जगपाल की योजना पूरे भारतवर्ष में अपने व्यापार को आगे ले जाने की है। उम्मीद है कि जगपाल की तरह और भी किसान मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में आगे आएंगे और सफलता की नई इबारत लिखेंगे। जीवनदायी पोटाश का है वरदान, क्योंकि इससे मिले पोटेशियम जो पौधों में कीड़े मकोड़े एवं बीमारी के दुष्प्रभाव को कम करता है और साथ ही फसल को ज्यादा पैदावार और अच्छी गुणवत्ता के साथ उपज देता है, यानी लाभ ही लाभ। IPL पोटाश यानी असली पोटाश। किसान भाइयों, हमें आशा है कि आज के इस कार्यक्रम में दी गई जानकारियों का लाभ आप अवश्य उठाएंगे। फिर भी यदि कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें अवश्य लिख भेजें। उठाइए अपना कलम और कागज़, लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा नंबर 801, दूरदर्शन भवन, फेज 2, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कुछ नई और रोचक जानकारियों को लेकर अगले कार्यक्रम में हम फिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।